नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज जिन खबरों को लेकर बुलेटिन में चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि प्याज के अच्छे खासे दाम रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, जिससे कि किसान बहुत ज्यादा खुश है। ऐसे में जानेंगे कि आज का क्या भाव है, क्या स्थिति है और पिछले 24 घंटे के दरमियान कितना दाम किसानों को मिला है अपने फसल बेचने पर। और बात करेंगे जिस तरीके से सरकार ने 14 फसलों पर MSP तय की है, उसके बावजूद किसानों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, एक के बाद एक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, वो आपको आज के इस बुलेटिन में सुनाएंगे। और साथ ही बात करेंगे पंजाब के किसान जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, उसके बीच जब उनसे बातचीत की गई कि MSP बढ़ाई गई है, ऐसे में आपको बता दें कि MSP मिलने पर उनकी साफ नाराजगी देखने को मिली है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, वो भी आपको सुनाएंगे। और आखिर में बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर, जिसमें हम बदलाव देख रहे हैं। कई जगह पर अब बारिश के बौछार शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्याज के दाम को लेकर। बता दें कि देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज की आवक में कमी और दाम में वृद्धि का सिलसिला जारी है। सोलापुर मंडी, जहां इसी साल सबसे कम दाम रहा था, वहां भी दाम रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि आवक अब पहले की तरह 50,000 या 1,00,000 क्विंटल नहीं रह गई। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार 20 जून को यहां सिर्फ 10,382 क्विंटल प्याज बिकने को आया, जिसकी वजह से इस मंडी में अधिकतम दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। जिस तरीके से हम देखें 24 घंटे के दरमियान भी यही भाव किसानों को देखने को मिला था, जिससे कि किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। तो इसलिए लगातार जो अधिकतम दाम की मैं बात करूं, 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा, जबकि औसत दाम 2,800 रुपए रहा। सोलापुर में वर्तमान सीजन के दौरान पहली बार इतना दाम हुआ। प्याज का निर्यात खोलने के बाद किसानों को फायदा मिल रहा है और वो चाहते हैं कि अब सरकार दोबारा निर्यातबंदी ना करे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार 20 जून को राज्य के 42 मंडियों में प्याज की नीलामी हुई, जिसमें से सिर्फ 6 में से ही प्याज की 10,000 क्विंटल से अधिक की आवक हुई। इनमें से 26 मंडियां ऐसी रही जिनमें किसानों को मिलने वाला थोक दाम 3,000 से लेकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा। वहीं नागपुर की कामठी मंडी में न्यूनतम दाम भी 3,000 रुपए रहा, अधिकतम दाम 4,000 और औसत दाम 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करेंगे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के उस बयान को लेकर जो उन्होंने सरकार के प्रति, जहां हरियाणा के करनाल पहुंचे थे, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने भारत सरकार के उस निर्णय पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बढ़ाई गई। इससे जुड़े एक सवाल पर चडूनी ने कहा कि फसलों के दाम हर साल बढ़ते हैं, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से फसलों के दाम बढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि कानूनी गारंटी को लेकर भी उन्होंने जब बात कही है, सुनाते हैं आपको बयान। और इसलिए उन्होंने किसी किसान संगठन से बात नहीं की, किसी किसान संगठन से वोट नहीं मांगे, किसी किसान संगठन को बुला के ये नहीं कहा कि आपकी क्या समस्या बताओ भाई, हमारा राज है, हम अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं ना। तो अब 2014 में यही हाल BJP का था, तो हम अपने जो वोट है उसकी ताकत दिखाना सीखें, इसलिए हमने पार्टी बनाई है और अगले चुनाव में जो है भागीदारी करेंगे। कुरुक्षेत्र में आप लोग सफल नहीं हो पाए जिसके लिए उतरे थे? नहीं, कौन कहता सफल नहीं हो पाए, हम सफल हुए हैं। हमारी जो वोट है हमने उसकी ताकत दिखाई है, हमने बांधी है, ठीक है ना। इतनी वोट अभी चौटाला के पास थोड़ी थी। अब वो जो कांग्रेस वाले हैं जो वो चिल्ला रहे हैं कि हमें तो किसानों ने हरवा दिया, वो चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, आपको हमारी बात सुननी चाहिए थी पहले, तब तो आप कहते थे हमें किसान वाला कोई जरूरत ही नहीं है। आप उन्हीं को हराने के लिए मैदान में आए थे? उन्हीं को हराने के लिए नहीं, हमें एक वोट की ताकत दिखाने के, उनसे तो हमारी कौन सा दुश्मनी थोड़ा ही थी, लेकिन एक पावर तो दिखाए, हमारी को सुने तो सही। अगर चुनाव से पहले कांग्रेस किसान लीडरों को बुला के
वादा करती कि हाँ हम आपकी बात मानेंगे, आप हमें बताइए, आप हमें वोट दीजिए। किसी किसान लीडर को कांग्रेस वालों ने बुला के वोट मांगे? नहीं मांगे। क्यों? इसलिए नहीं मांगे कि इनके यार इनको तो बीजेपी को तो डालेंगे नहीं, हम ही डालेंगे ना। 2014 में यही बीजेपी कहती थी, हम क्यों माने? इन्होंने तो हमें वोट थोड़े डाला है, इन्होंने तो कांग्रेस को हराने के लिए डाला है, इसीलिए उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने हमारी वोट का जो है वो गिनती नहीं की उन्होंने, ना बीजेपी ने की ना कांग्रेस ने की, वो करवानी चाहिए। कहना चाहेंगे जो फसलों के दाम बढ़ाए गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, फसलों के दाम हर साल फसल बीजने से पहले बढ़ते हैं, और इनको एक बार में ही कानून बना देना चाहिए कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा, बार बार ना बढ़ाना पड़े। और इससे क्या होता है, जैसे अभी 5.5% के करीब करीब रेट बढ़े हैं, लेकिन महंगाई जो है वो 7% 8% हर साल बढ़ती है, तो इससे 2.5-3% का हम हर साल नीचे चले जाते हैं। और इसका अगर हम आंकड़ा देखें 1967 से लेके आज तक जो हो रहा है वो आप देखें, कर्मचारियों से तुलना करें, एक कर्मचारी की तनख्वाह तो 400 गुना 500 गुना बढ़ गई है, हमारे रेट तो 30-31 गुना बढ़े हैं। और अगर हम बाज़ार से तुलना करें, मान लिया हम अपनी फसल बेच के ईंट खरीदते थे, 1 क्विंटल गेहूँ के बदले 1600 ईंट आती थी 1960 में, आज 1 क्विंटल गेहूँ के बदले 300 ईंट आप आएंगी, तो ये जो हमारा गैप हर साल बढ़ जाता है। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी मैं ये कहूँगा कि ये तो रेट तय करे हैं, खरीदने की गारंटी थोड़ा ही है कि इस पर बिकेगी भी। पहली बात, रेट जो है वो मार्केट वैल्यू से कम है, और दूसरी बात उस पर भी नहीं खरीदते, बड़ी बात जो है, तो उस पर खरीदने की गारंटी भी साथ में देनी चाहिए। विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी? देखिए, विधानसभा चुनावों में हमने अपनी पार्टी बनाई है और अभी उसके काम की शुरुआत करने वाले हैं, तो हमारा किसान भाइयों से कहना ये है कि जब तक आप अपनी वोट की ताकत नहीं दिखाओगे ना, वोट की चोट सबसे बड़ी है राजनेताओं के लिए। अभी हम क्या करते हैं, 2014 में कांग्रेस को हराओ, 2024 में बीजेपी को हराओ, बस ऐसे ही हराओ हराओ, और हमारा क्या है, हमारे तो किसी खाते में है ही नहीं, अभी उसको हरा दी। अब कांग्रेस क्या क्या बोलती है, आप देखिए इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ये था कि बीजेपी को तो जा ही नहीं सकते, कांग्रेस को ही डालेंगे ना, और इसलिए उन्होंने किसी किसान संगठन से बात नहीं की, किसी किसान संगठन से वोट नहीं मांगे, किसी किसान संगठन को बुला के ये नहीं कहा कि आपकी क्या समस्या बताओ भाई, हमारा राज है, हम अपने मैनिफेस्टो में डाल। देखिए इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ये था कि बीजेपी को तो जा ही नहीं सकते, कांग्रेस को ही डालेंगे ना, और इसलिए उन्होंने किसी किसान संगठन से बात नहीं की, किसी किसान संगठन से वोट नहीं मांगे, किसी किसान संगठन को बुला के ये नहीं कहा कि आपकी क्या समस्या बताओ भाई, हमारा राज है, हम अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं ना। तो अब 2014 में यही हाल बीजेपी का था, तो हम अपने जो वोट है उसकी ताकत दिखाना सीखें, इसलिए हमने पार्टी बनाई है और अगले चुनाव में जो है भागीदारी करेंगे। कुरुक्षेत्र में आप लोग सफल नहीं हो पाए जिसके लिए उतरे थे? नहीं, कौन कहता है सफल नहीं हो पाए, हम सफल हुए हैं, हमारी जो वोट है हमने उसकी ताकत दिखाई है, हमने बांधी है, ठीक है ना, इतनी वोट हमें चौटाला के पास थोड़ी थी। अब वो जो कांग्रेस वाले हैं जो वो चिल्ला रहे हैं कि हमें तो किसानों ने हरवा दिया, वो चिल्ला रहे हैं, अरे भाई आपको हमारी बात सुननी चाहिए थी पहले, तब तो आप कहते थे हमें किसान यूनियन वालों की जरूरत ही नहीं है। आप उन्हीं को हराने के लिए मैदान में आए थे? उन्हीं को हराने के लिए नहीं, हमें एक वोट की ताकत दिखाने के, उनसे तो हमारी कौन सा दुश्मनी थोड़ी ही थी, लेकिन एक पावर तो दिखाएं, हमारी को सुने तो सही। अगर चुनाव से पहले कांग्रेस किसान लीडरों को बुला के वादा करती कि हाँ हम आपकी बात मानेंगे, आप आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पंजाब के किसानों को लेकर, जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाई गई उस पर किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही है। कई किसानों का ये कहना है कि एमएसपी तो बढ़ाई लेकिन हमें कानूनी गारंटी चाहिए, जिसको लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और तीखा हमला बोलते हुए कई बातें किसानों ने कही है, सुनाते हैं आपको, ये दिखाते हैं रिपोर्ट।
लड़ाई है, तब से किसान आंदोलन करने वाले कई किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही है। जब पंजाब के बरनाला के किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि फसल की खरीद की गारंटी के बिना अकेले एमएसपी का किसानों के लिए कोई मतलब नहीं है। सुनिए किसानों की प्रतिक्रिया। जो केंद्र सरकार ने एमएसपी की गल की है, 75 साल तो लेके सरकार बन दी आ रही ने, भारतीय किसान जी ने एकता ग्राहां या लड़न वाली जी जथेबंदियां ने वो लंबे समय तो ही मंग कर दी आ रही ने भी जी एमएसपी है, जोड़े लोग साढ़े मजदूर किसान किरती लोग आपकी फसल पैदा करते मुल नहीं सही दिता, तो यही बड़ी लड़ाई चल रही है। हुण केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है, चाहे वह झोने पर है, मूंगी पर है या नरमे पर है, ये लोगों के अंदर एक जगह बनाने लिए है भी साडा होर अगे वधे, क्योंकि सरकार का जिन्ना चोणों के विरोध होया भारत के किरती लोगों ने विरोध किया है ये गल के निकल रहा है। सो यह कोई असली रूप नहीं है सरकार का, जो चोणा जित जाती है सरकार पक्के तौर पर बन जाती है उदो रूप होर बदल लेंदी है, इस करके एक संघर्ष का सिट्टा भी है तो लड़न वाले लोगों का भी एक एका जो मजदूर किसानों का वह सिट्टा भी है, जो मुलाजम या मजदूर जोड़े लड़ते हैं किरती लोग या पत्रकार साढ़े बुद्धिजीवी जोड़े लोगों खातर लड़ रहे हैं वह सिट्टा भी है। ठीक है, एक थोड़ा जा लोगों आपके वल खिंचन वास्ते भी सरकार ने कुछ किया है, पर यह कोई तसली बख्श नहीं हैगी गल, पक्के तौर पर सरकार जो की बनती आ रही है ये सरकार भा देने साड़िया मेहनत देने नाकाम हुई ने। जे सरकार एक फसल कहती है भी पानी डूंघा हो गया, यह दोष मजदूर किसानों से लाइदी है भी इन्होंने पानी डूंघा करता झोना लिया वास्ते झोना लाने वास्ते, पर यह जोड़ा झोना लिया ये सरकारी बुद्धिजीवी लिया, झोना तो लोग जानते भी नहीं सी। ठीक है, अच्छ नरमे से कोई रेट दिता सरकार ने, उही गल आउंदी है भी जे इदू पहला सरकार चाहती होंगी भी पानी इन्ना डूंगा वग गया, जेडे कहने पानी सरकार जिम्मेवार ने मजदूर ते किसान किरती लोग ये दोष लाउंदे है, इत्थे पंज कंपनियां ने जिन्हां ने इन्ना पानी वेस्ट किया होया है, जे इत्थों दीआं फैक्ट्रियां ने जिन्हां ने गंदला पानी किया पंजाब दा प्रदूषण किया है, उन्हां वल कोई सरकार दी अख नहीं। इस करके भरावो जे सरकार पहला लंबे समय तो सोचती ना पानी डूंगा जाना सी तो आ झोने चो भी निकलते लोग, इस करके जे सरकार ने यह एम एस पी दी है ये लोगों के संघर्ष का छिट्टा है तो अमली ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, इस करके ये लोगों भलचाउन खातर ही है। जिहड़ा एक कराची वाला मसला है वो रिपोर्टिंग करने की वो बारे मीटिंग रखी है, दूजी फंडा की रखी है, तीजी है जी साढ़े चोणों तो पहला अंदोलन कर रहे जो मसले जिम्मे नरमे दिया अपना गड़े मारन का मामला बनना सी बठिंडे चे संगरूर के जिहड़े मसले खड़े ने गैस लाइन पाइपों का भारतमाला प्रोजैक्ट की सड़कों का मसला जिहड़े मसले साढ़े पुराने खड़े ने जिम्मे जहांगीर वाला मसला उन्होंने मसलों की रिपोर्ट लेके वे गाह विचार करने का एक्शन करने का सोचा भी कि झोने वाला मसला है तो ये जे स्थानक बिजली की सप्लाई या कोई होर सप्लाई नहरी पानी की सप्लाई रुक जाए वे मसले से गाह संघर्ष में जी अगे तोरन की जी गल संबंध से देखो यह किसान घोल का दबाव है, मोदी हुकूमत ने घोल का दबाव मन के पहली बार है जी जिन्हें 14 फसलों पर एमएसपी दी है, क्योंकि मोदी सरकार ने जी आह मतलब लोग सभा चोणों के जी मोदी सरकार की हार हुई है जी आस पाँच में वो पहले बढ़त मारते थे 400 तो पार घट गिनती रहेगी सरकार उन्होंने ये किसान घोल के अंदोलन का सिट है। जे ये अंदोलन होर अगे जे सरकार किसानों मजदूरों ना पंगे लेंदी है ये अगले सभा चोणों के इन्होंने होर मार पै सकती है, इस करके उन्होंने ठंडा छिड़कने की खातर उन्हें एम एस पी का गरंटी कानून नहीं बनाया, एम एस पी दे जिहड़ी किसानां दी मंग है वो खड़ी है, गरंटी कानून बना के जिहड़ी साडी संतुष्टि हुंदी है, एम एस पी है कल्ली मान ली भी है हुण लोग खुश हो जांदे ने भी एम एस पी है, एम एस पी दे नाल जिन्ना चिर कंप्लीट नहीं हुंदी जिन्ना चिर सरकारी खरीद नहीं शुरू हुंदी, जे सरकारी खरीद ना हुई तो एम एस पी दा इक कागजी है वो कागजी बन के रह जाणी है। जिहड़ा एम एस पी दिती है जानी ऐरती 14 फसलों पर पहला सरकार 23 फसलों पर बनदियां रहियां, पर जिन्ना चिर अमली जामा उहदा अपनाया नहीं जांदा उन्ना चिर इहदी कोई तुक नहीं बनदी, जानी कल्ला उत्थों बह के भाव बनना उहदी खरीद ना होनी उह च किसानां नूं दिक्कतां आउंदियां ने। असीं कहिंदे आ भी जिन्नियां संबंधित फसलां ने जिन्नियां दा तुसीं एम एस पी बनदे हो उहनूं पूरा मुकम्मल तौर पर एम एस पी ते उहदी खरीद होवे, जिवें पिछली बार मक्की दा बन्निया सी 1800 रुपया पर लुट्टी किन्ने नूं कोई 1200 ते 800 नूं, सरों दा रेट ती 5500 रुपया पर 4600 नूं 2-4000 नूं लुट्टी गई। असीं कहिंदे आ भी उहदी एम एस पी ते खरीद होवे, जे कि उह तों घट के करदा तां कारवाई हो।
पहली गल आ। दूजी गल आ भी जिन्ने रेट हुण तक वधाए ने सानू सूचतांग दे नाल जोड़ के अज तक रेट ही नहीं मिले। जिन्ने उह ते लागत खर्चा आ गया 50% मुनाफा जां जिवें अज कोई मुलाजमां दी तनखा है ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹ 'ਚ 2% ਵਧੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ MSP ਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਕਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪਕਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾਤਾ ਪਰ ਪਕਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੀਆਂ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਰੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। MSP ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिस तरीके से महंगाई के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, महंगाई आसमान छूती जा रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लगातार सब्जी के बढ़ते दामों ने लोगों के किचन का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। वहीं कुछ दिन पहले जो टमाटर 20 से 30 रुपए किलो मिल रहे थे वो अब लगातार 50 को भी पार कर गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार सब्जी के बढ़ते दाम ने लोगों के किचन का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। वहीं कुछ दिन पहले जो टमाटर 20 से 30 रुपए किलो में मिल रहा था वह अब 50 को पार कर गया है। इसी तरह से प्याज से लेकर बाकी सब्जियों का भी यही हाल है। सुनिए दुकानदार से लेकर ग्राहकों का क्या कुछ कहना है। टमाटर पहले डाउन था गर्मी की वजह से, पेड़ पौधे जल गए, पेड़ पौधे है नहीं तो खेतों में कोई छाया तो होती नहीं है, गर्मी से हो गया काम। आलू पहले बिक रहा था 20 रुपए किलो, अब बिक रहा 30-35। प्याज बिक रहा था पहले 15 रुपए किलो, अब 30 रुपए किलो प्याज। क्या कारण मानते हैं? ये गर्मी का कारण है, जब पेड़ चढ़ जाएंगे तो कहाँ से पैदा होगा, गिराएगी। अब थोड़ी माल महंगा तो गिराएगी, आने लगे घर से, नींद उड़ गई लोगों की। हाँ जी, लोस तो कह रहे देखो बढ़िया माल आता है तो कमाई हो जाती है, लोस तो होता ही है। किसान तेजी में क्या है, ऊपर छाप लगा के लाता है, एक कैरेट में 5 किलो छाप, नीचे खराब तो खराब निकला तो लोस तो होता ही ना। गोदाम देखो सब्जी का तो गोदाम होता नहीं, आलू प्याज का होते हैं, स्टोर होता है आलू का, प्याज स्टोर नहीं था, आलू कोल्ड स्टोर का होता है, उसमें होता है फायदा। सप्ताह में मैं दूसरी बार यहाँ पर आई हूँ, मैंने देखा कि आलू और प्याज का भाव अचानक बढ़ गया है, 10 से 20 रुपए किलो में अंतर आ गया है, ऐसा क्यों? ये सभी लोग जो दुकानदार हैं वो बोल रहे हैं कि अचानक आलू और प्याज महंगा हो गया है, हम क्या करें, गर्मी की वजह से टमाटर भी सड़ गए हैं, उसकी वजह से उनके भी भाव अचानक बढ़ गए हैं। एक महीने पहले तक जो प्याज आलू 20-50 रुपए के 2 किलो मिल रहे थे, आज मैं 100 रुपए के 2 किलो लेके आई हूँ, तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं रेट्स। टमाटर वगैरह इनफैक्ट सारी सब्जियाँ महंगी हो गई है, और जब इनसे पूछा जाता है क्यों, तो गर्मी की वजह से खेतों में दिक्कत आ रही है, बारिश नहीं हो रही तो फसलें नहीं उग रही हैं, जो स्टोरेज वाला माल है वो सारा खराब हो रहा है, तो गर्मी रीजन बता रहे हैं सारे रेट्स बढ़ने की। तो अब बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हुआ है, दिल्ली NCR के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को बहुत हद तक गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि IMD ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, उसके अलग अलग स्थानों पर भी होगी। वहीं 4 से 5 दिनों के दौरान कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लू भी चल सकती है। तो IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, यूपी से लेकर अभी लू की स्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन दिल्ली
समेत कई ऐसे इलाके हम देख रहे हैं कि झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। चिलचिलाती गर्मी से जहां लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर होता जा रहा था, उस बीच आपको बता दें कि जो ये बारिश है लोगों के लिए, लोगों के चेहरे पर ये मुस्कान लेकर आई है, क्योंकि आम जनता से लेकर किसान तक उम्मीद कर रहे थे कि आखिर बारिश कब होगी और आखिरकार हल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही प्री मानसून की स्थिति भी देखने को मिलेगी यूपी में, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्री मानसून दस्तक देने वाला है। लेकिन इस बीच जो बारिश हो रही है, मौसम में बदलाव, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था एक दिन पहले और उसके बाद से ही मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है। पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के कुछ रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि वहां पर बर्फबारी हो रही है और जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं वो उसका आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन हीट वेव को लेकर भी अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी कि हीट वेव भी अभी कुछ दिन लोगों को परेशान कर सकती है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी